हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ की एडमिशन से रिलेटेड। काफी इम्पोर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ की एडमिशन से रिलेटेड, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, उससे रिलेटेड जो है वो वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आपको अभी भी एडमिशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आपको डर है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सो आई सजेस्ट यू टू गेट द इनरोल्ड इन द मेंबरशिप ऑफ oneform.org। बहुत कम फीस के साथ आप लोगों को जो है ये पेड काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इनके साथ एफिलिएशन में है। तो अगर आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा क्या कंटेंट रहने वाला है, क्या टॉपिक रहने वाला है, लास्ट 9 days बच चुके हैं एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ 9 दिन अब आप लोगों के पास है। अगर आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म नहीं भरते हैं इन 9 दिनों में, तो आपका चांस 0 हो जाएगा एडमिशन का इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ कॉलेजेस। तो भाई लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो अब ये जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट 7 days, नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट सैटरडे तक आप अपना फॉर्म फ्राइडे सैटरडे तक कंप्लीट कर लीजिए अगर नहीं किया है। अब बात आते हैं कुछ मूर्ख गधों पर। कुछ लोगों ने मेरी बात को इतना गलत मिस इंटरप्रिटेट कर लिया। मैंने बताया था कि फिजिकल काउंसलिंग में कम परसेंटेज पर भी एडमिशन रह जाता है। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार बोला होगा आपको कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि मेरिट बहुत ज्यादा जाए, हो सकता है कि 90+ भी चली जाए। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेट करते हो, लंबा वेट करते हो जुलाई एंड तक, अगस्त के महीने तक, तो हो सकता है कि फिजिकल काउंसलिंग में आपको 70% पर भी सीट मिल जाए। तो कुछ लोगों ने उसे इस तरीके से ले लिया है कि वो ये फॉर्म नहीं भरेंगे और वो सीधा फिजिकल काउंसलिंग में जाकर के एडमिशन करवा लेंगे। तो भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप लोगों ने यहाँ पर DHE की वेबसाइट पर और कॉलेजेस के जो नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज के फॉर्म हैं वो अभी नहीं भरे, तो DHE की किसी भी राउंड की इवन फिजिकल काउंसलिंग में भी आप लोग नहीं बैठ सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है विलिंगनेस फॉर्म की। सो गाइस, विलिंगनेस फॉर्म आपका इसी वेबसाइट पर, इसी लॉगिन पेज पर, जब आप लॉगिन करोगे यहाँ पर, जब साइन इन करोगे आप, आपकी मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद, सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के बाद, तब आप लोगों को विलिंगनेस फॉर्म आएगा। अगर आपको नहीं पता है विलिंगनेस फॉर्म क्या है, तो कमेंट करके हमें बताइए, हम आप लोगों को बताएंगे। सो गाइस, आप लोगों को जो है वो एक जुलाई से पहले जो है वो एडमिशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। गाइस, प्लीज डू दिस। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं, तो आगे काउंसलिंग की वीडियोस देखने का भी आप लोगों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल से मेरे चैनल पर लगातार वीडियोस आएंगी काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, कौन से कॉलेज की हाई कट ऑफ जाती है, सो उससे रिलेटेड वीडियोस कल को आप लोगों के पास आने वाली है। गाइज, कमेंट करके आप लोग अपनी परसेंटेज, आपका कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, ये मुझे, और कैटेगरी कौन सी, ये मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं कल आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू वीडियो में दे सकूं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिए। इसके बाद की बातें मैं आपको बाद में ही बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ। तो जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो है, ये आप लोग जब इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि फर्स्ट जो कॉलेज आप लोगों को मिलेगा वो 10 तारीख को मिलेगा। तो ये सारी चीजें, कैसे कैसे आप लोगों ने काउंसलिंग करानी है, वो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में इतना ही है कि आप लोग जल्दी से अपना फॉर्म जो है वो भर लीजिए। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाता हूँ। हॉस्टल के लिए आप, अगर थोड़ा, अगर आपको 100% श्योर हो कि आपको हॉस्टल नहीं चाहिए, तो नो क्लिक कीजिए, अदरवाइज यस पर क्लिक कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत आने वाली है बाद में। और हॉस्टल की एडमिशन फॉर्म जब आप लोग 10 तारीख के बाद, आपका 10 तारीख को मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आप फीस जमा कराओगे, उसके बाद हॉस्टल का फॉर्म आप लोगों ने भरना है। सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, आप पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हो, सो oneform.org का व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के आप लिंक मांग सकते हो। इनसे पेड फॉर्म का लिंक दे दीजिए, ये सेंड कर देंगे इनकी टीम। और RJ शुभम चैनल पर आप लोगों को जो मस्ट रिकमेंडेड वीडियो है वो ये है कि आप लोग ये वीडियो देखिए, कैसे अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो इस वीडियो को 2 बार डीप
कानों में ईयरफोन लगा करके बिना किसी डिस्टरबेंस के देखिए कितने मिनट की, 21 मिनट की सिर्फ वीडियो है ये, तो इस वीडियो को ध्यान से एक बार देखिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग पूछ रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स आ रहा है, बीएससी नहीं आ रहा है, बीए ऑनर्स आ रहा है, बीए जर्नल नहीं आ रहा है, मेरे को बीए जर्नल करनी है। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड इन दिस। तो अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है इन सारे कॉलेजेस में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आप लोगों को जो है वो फोर ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम हो चुका है, फोर ईयर डिग्री सिस्टम हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ के कॉलेजेस में। सो अब आप लोगों को क्या करना होगा, अब आप लोगों को बीएससी बीए ऑनर्स ही सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप 3 साल में सिंपल बीए में छोड़ सकते हैं, और 3 साल की डिग्री उतनी ही इक्विवेलेंट होगी जितनी की आपकी 4 साल वाली है। सो डोंट अबाउट दैट, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरजे शुभम चंदेल हैंडल को फॉलो कर लीजिए काउंसलिंग के लिए, आप इस वेबसाइट पर, इनकी वेबसाइट पर, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जल्दी से 1 जुलाई से पहले पहले विदिन 9 डेज आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, सैटरडे से पहले फॉर्म फिल कर लीजिए, और मुझे बताइए अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम। And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project and she's looking pretty. वीडियो जो है वो देखिए आप। और हेलो फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एडमिशन 2024-25 की ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा एंट्रेंस आपको देना है, एंट्रेंस के फॉर्म कब